हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेगुलेट पावर सप्लाई बनाना सिखाऊंगा, जो कि दो तरह की होगी। जीनर से बनाना सिखाऊंगा और ट्रांजिस्टर और जीनर से बनाना सिखाऊंगा। दोनों तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा और ये आप इसको सिंगल सप्लाई भी बना सकते हैं और डुअल सप्लाई भी इससे हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगल सप्लाई हम देखते हैं। सिंगल सप्लाई के लिए फ्रेंड्स, ये ट्रांजिस्टर की सिंगल सप्लाई है। इसके लिए हमें NPN ट्रांजिस्टर का हम यूज़ करेंगे। अगर कम वोल्टेज की या कम पावर की पावर सप्लाई हमें बनानी है, जैसे कि हमें BT का सर्किट बनाना है या OPM का सर्किट बनाना है या गेन बूस्टर का सर्किट बनाना है, तो उसके लिए हमें BT की सर्किट की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो BD-139 उसमें लगा देंगे तो आराम से वो उसको पावर दे सकता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक हमें अगर 12 वोल्ट की सप्लाई, ये फ्रेंड्स जीनर है, आप देख रहे होंगे ये जीनर है। इस जीनर को जितने वोल्ट का आप जीनर लेंगे उतने वोल्ट की ही सप्लाई हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। 12 वोल्ट का अगर हम जीनर लेंगे तो लगभग 11.4 हमें वोल्ट, यानी कि जितने वोल्ट का जीनर लेंगे उससे 0.7 या 0.6 वोल्ट कम हमें आउटपुट में मिलता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि 15 वोल्ट लेंगे तो 0.4 वोल्ट कम मिलेगा उससे, तो लगभग 14.4 वोल्ट हमें मिलेंगे। तो 12 वोल्ट हम फ्रेंड्स यहाँ से देंगे, जो कि अनरेगुलेटेड होगा। यहाँ से 12 वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट डायरेक्ट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आएंगे और कलेक्टर से ही हमें इसके बेस पे 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। और ये जीनर डायोड, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये नेगेटिव सप्लाई है। और नेगेटिव से एक कैपेसिटर लगाएंगे 220 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट, 470 माइक्रोफेरड भी हम इसमें लगा सकते हैं। और शुरू में हम यहाँ पर 470 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ से ये दो पॉइंट से हमें रेगुलेट पावर सप्लाई हमें मिल जाएगी। अब अगर डुअल सप्लाई बनानी है तो ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया फ्रेंड्स, ये नेगेटिव के लिए हो गया। तो इसमें हम नेगेटिव 12 वोल्ट देंगे और ट्रांजिस्टर जो है, यहाँ NPN ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम PNP ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। जीनर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, कैपेसिटर भी उल्टा हो जाएगा। कलेक्टर पे यहाँ हमें 4.7 के की रेजिस्टेंस यहाँ लगाई थी, वही यहाँ लगानी है। जीनर उल्टा कर देंगे, ये वाला कैपेसिटर भी हम उल्टा कर देंगे। अब अगर डुअल सप्लाई हम लेंगे तो ये दोनों आपस में हम मिला देंगे, ये दोनों ग्राउंड हो जाएंगे। यहाँ से पॉजिटिव देंगे, यहाँ से नेगेटिव देंगे, ये ग्राउंड हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ से नेगेटिव मिलेगी और ये हमारा दोनों का इनपुट आउटपुट का ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं कि हमें बहुत ही कम पावर की ट्रांजिस्टर, कम पावर की सप्लाई बनानी है। यानी कि सिंपल एक BT का सर्किट हमें बनाना है, ट्रांजिस्टराइज्ड BT जो होता है, बास्टेबल का सर्किट, एक या दो ट्रांजिस्टर का बास्टेबल सर्किट होता है। उसके लिए हमें एक सिंपल जीनर डायोड लगा के हम सप्लाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये डुअल पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट 10 ओम की रेजिस्टेंस हाफ बाट की लगाएंगे। यहाँ पर माइनस 12 वोल्ट देंगे फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 10 ओम हाफ बाट की रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, ये ग्राउंड होगा। यहाँ पर हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो जीनर 12 वोल्ट अगर हमें चाहिए होंगे तो यहाँ पर ये जीनर ऐसे लगाएंगे, कैथोड पॉजिटिव पे होगा, एनोड नेगेटिव पे होगा, ग्राउंड पे होगा, और ये कैथोड ग्राउंड पे होगा और ये एनोड नेगेटिव पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें रेगुलेट आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पर हम 1000 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट, यहाँ पर 1000 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट और 0.1 माइक्रोफेरड 100 वोल्ट, या आपको 25 वोल्ट का मिल जाए वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और 100 वोल्ट का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से हमें रेगुलेट पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी है। एक दो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी, यहाँ दो जीनर डायोड लगेंगे, दो कैपेसिटर लगेंगे और दो PF लगेंगे, तो हमें रेगुलेट पावर सप्लाई यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इन ट्रांजिस्टरों की जगह फ्रेंड्स हम दूसरे ट्रांजिस्टर हैं, जैसे TIP 3132, TIP 4142, उनका भी हम ज़्यादा पावर लेने के लिए उनका भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।